লম্বা লম্বা চুল এমন মাথা বেঁধে দুবো লাল গেঁদা ফুল। Hi guys, welcome back to my channel। और आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो भी आप मेरे फेस पे देख रहे हैं। गैस ऑब्वियसली आपने कर लिया होगा थंबनेल और टाइटल से, बट हाँ मैं क्रिएट करने वाली हूँ जैकलिन फर्नांडिस इंस्पायर्ड लुक उनके सॉन्ग गेंदा फूल से। एंड आई थिंक आई एम प्रिटी क्लोज, व्हाट डू यू थिंक? मुझे कॉमेंट करके बताओ भाई कि वेदर दिस लुक इज क्लोज इनफ और नॉट, मिलता जुलता है कि नहीं। However, आई मेकअप जो था वो काफ़ी अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे जितना समझ में आया मैंने उस हिसाब से किया है। उसका इंटरप्रिटेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, बट अदर देन दैट बाकी सारी चीज़ें आई थिंक बढ़िया तरीके से लाइक मैच कर रही हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में कि मैंने ये लुक कैसे अचीव किया है, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन भी हिट कर दीजिएगा सो दैट आप इस तरीके के वीडियोज़ मिस ना करो। तो चलो शुरू करते हैं। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज nidhi.167 फॉर सम एक्सक्लूसिव कंटेंट प्लस पर्सनल अपडेट्स वगैरह सब वहाँ मिलता रहता है, तो वही इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट ऑफ करूँगी कलर बार के ये सेल्फी परफेक्ट प्राइमर्स ऑयल से। ये ऑयली तो है, लाइक ऑयल है बट ऑयली नहीं है, हाइड्रेशन देगा तो ऑल स्किन टाइप्स के लिए परफेक्ट है। एंड इससे आपको स्मूथनिंग नहीं मिलेगी, इट इज़ ए हाइड्रेटिंग प्राइमर, सो या कीप दैट इन माइंड। अगर आपको पोर्स हैं या फिर टेक्सचर है स्किन पे, उसको ये अच्छे से इवन आउट नहीं करेगा, इट विल जस्ट प्रोवाइड अ हाइड्रेशन और थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा। देन मैं अपने आईब्रोज करूँगी और आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड ये आईब्रो पेंसिल। प्लीज़ ये आईब्रो पेंसिल बहुत ख़राब है। द प्रॉब्लम वॉज कि मेरे पास और कुछ भी नहीं था, लाइक मेरे पास बहुत कम मेकअप है। मेरे पास इस वक्त यहाँ पे आधे से ज़्यादा मेरा मेकअप ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो लास्ट दिन मैं जितना लेकर आ पाई बस उतना ले आई। एंड That is the issue with this। ये इतना टूट गया, आधा प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल से मेरा टूट टूट के ही खराब हो गया होगा। सो या मैं फटाफट से अपनी आईब्रोज फिल इन कर रही हूँ, इट इज ऑल्सो वेरी वैक्सी। एंड उसके बाद उसी में स्पूली आती है तो उसी से मैं अपने आईब्रोज को कॉम्ब आउट कर रही हूँ। देन मैं ले रही हूँ मेबलिन का एज रिवाइंड, मेरा जो शेड है वो है सैंड, एंड मैं आज फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी। इसी से मैं अपने जो भी ब्लेमिशेज हैं या डार्क सर्कल्स हैं या अपनी आईब्रो को क्लीन करना है वो सब कुछ मैं इसी से करूँगी। सो अपने आईब्रोज को मैं अच्छे से पहले क्लीन कर लूँगी, फिर जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई करूँगी, यानी कि अपनी नोज़ पे, अपने माउथ के अराउंड, नोज़ के अराउंड, फोरहेड पे थोड़ा सा। फिर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये रियल मेकअप बेस, दिस इज़ इन गोल्डन टेंट। एंड गोल्डन टेंट एक्चुअली मैं सजेस्ट करूँगी सब लोग सारे स्किन टोन्स के लिए रादर देन सिल्वर टेंट, क्योंकि सिल्वर थोड़ा वाइटिश हो जाता है। मैं दोनों को मिक्स करके फिर ब्लेंड कर रही हूँ, इससे क्या होगा एक वो हल्का सा ग्लो जो है वो और आ जाएगा फेस पे। मेरी स्किन ड्राई है तो मेरे को लगता है जितना ड्यूई जितना ग्लॉसी बना सकूँ मैं उतना करूँ। ये जो ब्रश है ये सिग्मा का ब्रश है, हाउ एवर ऐसा ब्रश जो है अब कफ्स एंड लैशेज बंद कर दिया ब्रांड में भी आ गया है, बट वी विल रिवील इट वंस सब चीज़ें ठीक हो जाए। देन मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर, दिस इज़ शेड नंबर 20 लाइट मीडियम। एंड इसको लेकर के मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया था उसको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी जिससे क्रीज ना हो। मैंने पाउडर इसलिए भी अप्लाई किया था क्योंकि फाउंडेशन तो यूज़ किया नहीं था और सिर्फ कंसीलर कुछ ही जगह पे यूज़ किया था, कुछ जगह पे नहीं यूज़ किया था, तो मैं चाहती हूँ कि सारा कुछ इवन आउट हो जाए, कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि कुछ लगाया नहीं है, अनइवन ना लगे। देन मैं ले रही हूँ 20 समथिंग कॉस्मेटिक्स का ये फेस पैलेट। एंड गाइज इसका ब्लशर और ये कॉन्टोर शेड, लाइक कॉन्टोरिंग ब्रॉन्जिंग शेड है, ये बहुत ही उमदा है, बहुत ही अच्छा है। एंड इससे मैं अपने फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्ज अप कर रही हूँ, थोड़ा सा कलर वापस लेकर आ रही हूँ, क्योंकि कंसीलर से स्किन जो है वो एक जैसी लगने लगी है, फ्लैट लगने लगती है। सो आपको अपने फेस को एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है, सो इसको मैं अपने हॉलोज ऑफ द चीक, नोज़ को और जॉलाइन को कॉन्टोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। देन मैं इसी का ब्लश ले रही हूँ, उसका जो वो ब्लश है इट इज़ वेरी सिमिलर टू वेट एंड वाइल्ड का पर्लेसेंट पिंक, विच इज़ सिमिलर टू नार्स ऑर्गेजम आई गेस। सो इट इज़ एन अमेजिंग ब्लश एंड बहुत लंबे टाइम तक लास्ट भी करता है। एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग द सेम हाईलाइटर उसी का, इट इज़ अ वेरी सटल, यू नो, ग्लोई है बट इट्स नॉट लाइक बैम बैम ग्लो वाला हाईलाइटर, इट्स वेरी वेरी सटल, आपको अच्छा खासा ग्लो मिलेगा आपके फेस पे। एंड आप जब पैन में इसको फिंगर से ऐसे ऐसे करोगे तो आपको लगेगा थोड़ा चौकी है, बट विद द ब्रश बोथ दीज थिंग्स यानी कि ब्लश और हाईलाइटर बहुत अच्छे से आपके फेस पे अप्लाई होते हैं। देन लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन की सुपर स्टे इंक क्रियॉन, दिस इज इन द शेड नंबर 15। द शेड वॉज बैंग ऑन, आई थिंक एकदम परफेक्ट ड्यूप है फॉर वॉट जैकलिन वॉज वेयरिंग, एंड आई जस्ट लव द शेड बाय द वे।
एंड आई एम टेकिंग दिस पिंक शेड फ्रॉम दी फेस पैलेट और उसको मैं अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ. मैंने कुछ पिक्चर्स देखा है उसमें मुझे थोड़ा सा पिंक जो है क्रीज में और आउटर वी के कह सकते हो ब्राउ बोन कह रही हूँ जो बोन होती है उसके पास में मुझे डिपॉजिटेड दिखा था. दो आई लुक जो है बहुत क्लियर नहीं है किसी भी पिक्चर में. दिस इज वॉट आई अंडरस्टूड. सो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड आउट करूंगी. मैं इसको रियल टाइम में इसलिए रख रही हूँ जिससे कि क्योंकि मुझे ये बहुत बार आता है कि निधि आपका तो मेकअप बहुत अच्छा टर्न आउट होता है बट हम जब करने जाते हैं तो चीज़ें ब्लेंड ही नहीं होती हैं. सो आप देख सकते हो कि मैं कितनी बार स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा कलर लेकर के उसको ब्लेंड करती रहती हूँ जब तक जैसा मुझे चाहिए वैसा मुझे कलर नहीं मिलता. अगर किसी भी आई शेडो का पिगमेंटेशन आपको कम लगता है तो कभी भी उसको पाउडर से सेट मत करो, मतलब अपनी आईलिड्स को पाउडर से सेट मत करो और डायरेक्टली कलर ही डिपॉजिट करो तो वो पिगमेंटेशन और अच्छा आएगा. तो मैं एक जेल आईलाइनर ले रही हूँ. दो मैंने जेल आईलाइनर दिखाया बट मैंने एक्चुअली कलर बार का स्कैंडलेस काजल यूज किया था विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ जेल आईलाइनर, ब्लैक में यूज किया था मैंने. सो इसको लेकर के मैं अपनी जो लैश लाइन है उसके नज़दीक एक विंग ड्रॉ करूंगी एंड उसके बाद उस विंग को हम थोड़ा सा आउटर वी की तरफ में स्मज आउट कर देंगे, एक वी शेप बनाएंगे. तो अभी मैं थोड़ा ऊपर की तरफ में ब्लेंड आउट कर रही हूँ जैसे कि दिख रहा है आपको एंड इसके बाद मैं क्या करूंगी इसको जो मेरा विंग का कॉर्नर है वहाँ से लेकर के मैं अंदर की तरफ में पुश करूंगी पूरे ब्लैक शेड को. सो पीछे की तरफ में अगर आप देखोगे एक काइंड ऑफ वी सॉर्ट ऑफ बन जाएगा. सो अभी तो बस मैं जैसा दिख रहा है कि मैं सिर्फ लाइन को स्मज कर रही हूँ. नाउ या दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू. सो आप देख रहे हो मैं इसको पीछे तक लेके जा रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू आई एम टेकिंग इट इन साइड एक्चुअली. सो एक वी सा बन गया है एंड देन मैं वापस से अपना फ्लफी ब्रश ले लूँगी जिसमें पिंक कलर था और उससे इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी जिससे ये इतना हार्श जितना दिख रहा है अभी उतना हार्श नहीं दिखेगा एंड चीज़ें सारी कुछ मैच्ड अप दिखेंगी. काइंड ऑफ अ पिंक स्मोकी होगा बट सॉफ्ट पिंक स्मोकी होगा. अगर आपका ये जो कैट आई लुक होता है जिसको हम कहते हैं वो सही नहीं आता है तो आप टेप लगाकर भी कर सकते हो या फिर बाद में आई लुक पहले करो तो आप बाद में उसको क्लीन कर सकते हो किसी वेट वाइप से या वेट टिश्यू से. देन मैं ले रही हूँ बेटर देन सेक्स मस्कारा बाय टू फेस्ड एंड ओ गॉड दिस इज सच एन अमेजिंग मस्कारा. हाउ एवर आपको बड़ा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मस्कारा 6 महीने से ज़्यादा चलते नहीं है. सो इनिशियली आई थॉट कि मैं लैशेज नहीं लगाऊंगी तो इसलिए मैंने सिर्फ मस्कारा लगा के छोड़ दिया था. एंड देन मैं ले रही हूँ स्कैंडलेस काजल कलर बार का फिर से और ब्राउन कलर में ले रही हूँ और इससे मैं अपने वाटर लाइन और टाइट लाइन कर रही हूँ. एंड इसके बाद जो है मैं क्या करूँगी एक एंगल ब्रश लूँगी और इसको क्योंकि मैंने अच्छे से लगाया हुआ है तो मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे इसको अच्छे से स्मज आउट कर लूँगी जिससे वो लोअर लैश लाइन थोड़ा सा यू नो कुछ कुछ दिखे, इसे ब्लैंड ना दिखे और आंखें थोड़ी बड़ी और ओपन अप दिखे बिकॉज बंगालीज हैव रियली ब्यूटीफुल आईज. दैट्स व्हाट आई हैव सीन एंड आई बिलीव. सो या उसके बाद मैं वापस से हाइलाइटर शेड ले रही हूँ एंड इसको अपने इनर कॉर्नर्स में लगा रही हूँ कंप्लीटिंग द लुक विद ए बिंदी और मैं थोड़ा सा सिंदूर भी लगा ले रही हूँ. आई नो जैकलिन ने नहीं लगाया होता बट आई थॉट लाइक लुक जो है कम्प्लीट लगेगा उससे. So guys, this is the final look and I am pretty happy. एकदम bomb look आया है and I am very very happy. जैसा भी मेरा makeup look turn out हुआ है आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे comment करके ज़रूर बताना. and अगर आप इस makeup look को try out करते हो then also share with me, tag करना मुझे Instagram पे. I would love to repost them and I do repost. आप अगर कोई भी look create करते हो जिसमें मुझे tag करते हो मैं repost ज़रूर करती हूँ अपने Instagram पे. So make sure कि आप मुझे tag ज़रूर करो. And yeah, that is it for this video. I hope you guys enjoyed this. Also make sure कि channel को आप subscribe कर लो and follow me on Instagram and I will see you guys in my next video. Till then take care. Bye.